सब्सक्राइब कीजिए एस्ट्रो जेमिनी चैनल को और बेल का बटन जरूर दबाइए। नमस्कार दोस्तों, आज मैं फिर हाजिर हूँ एक नए वीडियो के साथ आपके अपने चैनल एस्ट्रो जेमिनी द कॉस्मिक हिलर में। आज मैं बात करने वाला हूँ अंग्रेजी के अक्षर ओ से जिनका नाम आरंभ होता है, वो लोग कैसे होते हैं, उनका चरित्र कैसा होता है, उनका स्वास्थ्य, करियर, दाम्पत्य जीवन और धन के विषय में। लेकिन उससे पहले आप सबसे ये बता दूं कि हर सोमवार, बुधवार और शुक्रवार को मेरा वीडियो अपलोड होता है, उसे ज़रूर देखें और पूरा देखें। और हर रविवार को मेरा लाइव प्रोग्राम रहता है, उसे देखें। वहाँ आप अपने कोई भी सवाल फ्री में पूछ सकते हैं। तो जिन व्यक्ति का नाम अंग्रेजी अक्षर के ओ से आरंभ होता है, ऐसे लोग काफ़ी आत्मसीमित यानी कि सेल्फ सेंटर्ड होते हैं। उनके अंदर साहस और दिलेरी का बहुत ज़्यादा एक जोश भरा रहता है। जीवन में उतार चढ़ाव आने के बावजूद भी ऐसे व्यक्ति न तो अपना साहस छोड़ते हैं और न ही अपना हिम्मत तोड़ते हैं। वे हमेशा एक निष्ठ होकर टिके रहते हैं जब तक कि वो उस प्रॉब्लम को सॉल्व ना कर लें। एक बार अगर वो नीचे गिर भी गए, फिर से वो साहस और हिम्मत जुटाकर उठ खड़े होते हैं और सफल भी होते हैं। ऐसे व्यक्तियों के मित्र तो बहुत होते हैं, बट शत्रुओं में भी यानी कि उनके राइवल्स भी कम नहीं होते। अक्सर इनमें से बहुत से लोग, जो लोग इनके मित्र होते हैं, इनको धोखा देने की कोशिश करते हैं। हालांकि कुछ लोग सक्सेस होते हैं, लेकिन बाद में उनको मुंह की खानी पड़ती है। ऐसे व्यक्ति सदा साफ सुथरा रहना पसंद करते हैं, बिल्कुल नीट एंड क्लीन। अव्यवस्था, गंदगी इनको बिल्कुल भी पसंद नहीं आती। मतलब ये जो है किसी भी तरह का मिसमैनेजमेंट या जिसको कह लीजिए आप डर्टीनेस पसंद नहीं आता, ये बिल्कुल क्लीन कट होते हैं। इनका जो माइंड सेट होता है ये बिल्कुल ओपन माइंडेड होते हैं। ये किसी भी तरह के नैरो माइंडेड यानी संकुचित विचार को अपने दिमाग में नहीं रखते। मतलब ये उन लोगों से भी बातचीत नहीं करना चाहते जिनका विचार संकुचित हो यानी कि नैरो माइंडेड हो। ये कभी भी धीमी आंच की तरह जलना पसंद नहीं करते। ये हमेशा धधकते हुए आग की तरह चमकना पसंद करते हैं, जिससे लोग जो है उनकी चकाचौंध को देख सकें, चाहे वो चकाचौंध कुछ सेकंड्स के लिए ही क्यों ना हो। लेकिन दूसरे लोगों को ये दर्शाना चाहते हैं कि हम भी किसी से कम नहीं। ऐसे लोगों के अंदर महत्वाकांक्षाएं बहुत होती हैं, मतलब कि ऐसे लोग बहुत ज़्यादा एम्बिशियस होते हैं। वे हर काम को जल्दी जल्दी पूरा करने में लगे रहते हैं, मतलब इतने ज़्यादा इम्पल्सिव और से कहते हैं जल्दबाज होते हैं कि हर काम को जब तक वो पूरा नहीं करते तब तक वो पीछे नहीं हटते। ऐसे लोग अपने जीवन के अंतिम पड़ाव में जल्दबाजी को छोड़कर बिल्कुल स्थिर तरीके से हो जाते हैं और सारी चीज़ों को व्यवस्थित करके सुखी और संपन्न जीवन व्यतीत करते हैं। ऐसे लोग अक्सर आर्मी, खेलकूद या बहुत अच्छे एथलीट, और कई बार देखा गया है कि ऐसे लोग अच्छे बिजनेसमैन भी होते हैं। अगर धन संपत्ति की बात की जाए तो ये अपने जीवन भर काफ़ी अच्छा धन इकट्ठा कर लेते हैं। ये अपना भरण पोषण करने के साथ साथ और 10 लोगों का भी भरण पोषण करते हैं और इनका अंतिम जीवन जो है बिल्कुल व्यवस्थित होता है। दाम्पत्य जीवन की बात करें, इनके दाम्पत्य जीवन में कभी कभी खटास आ जाती है क्योंकि इनके लाइफ पार्टनर के साथ कभी कभी किन्हीं बातों को लेकर मनमुटाव रहता है, क्योंकि ये काफ़ी जल्दबाज हैं और दूसरों की बातों में जल्दी आ जाते हैं। इस वजह से इनके दाम्पत्य जीवन में खटास आती रहती है। तो दोस्तों, ये था ओ अक्षर वाले लोगों के विषय में। आपको मेरा ये वीडियो कैसा लगा, प्लीज़ 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 कमेंट करें, शेयर करें, लाइक करें, ताकि दूसरे भी इसका फ़ायदा उठा सकें। मेरा ये वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।